दोस्तों जाड़ा आ चुका है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और फ्रेंड्स सुबह के दोस्तों 8 बज रहे हैं। मेरी माताश्री जी पीछे देखिए आधी दिख रही थी, वो गैप ही हो गई हैं। और फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपने घर पे क्या ही हूँ, मैं जा ही रही हूँ। और दोस्तों मैं हमेशा जल्दी में ही रहती हूँ, मैंने चाय भी पी ली है, नमकीन भी खा लिया है। और जैसे मैं अपनी किताबों को ऐसे पैक कर रही थी अपने बस्ते में, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरे अपने बस्ते में मतलब किताबें रख ली हैं, मतलब बस्ता मेरा पैक हो चुका है। तो चलिए फटाफट चैन बंद करते हैं और भागते हैं यहाँ से। और दोस्तों मेरी प्यारी दीदी अभी तक सो ही रही हैं, तो चलिए हम अभी बैग उठाती हूँ अपना बस्ता, फटाफट भागती हूँ। दोस्तों मैंने चप्पल भी पहनी, चप्पल का दोस्तों मैंने जूते निकाले थे, मेरे पास मोजे मतलब नहीं थे, मिले मुझे ढूंढने थे, जूते फिलहाल मिल गए, तो आज मैं फिर अपनी सैंडल ही पहन के जा रही हूँ। दोस्तों मैं जा रही हूँ, मेरी माता श्री जी पीछे देखिए वो आती हैं, लप्पे से भाग जाती हैं। और कुछ नहीं दोस्तों, हल्का हल्का कोहरा भी गिरने लगा है और सूरज दादा भी निकल आए हैं। ऊपर देखिए दोस्तों चिड़िया उड़ के गई, बहुत सारी मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी ड्यूटी बजाने। मेरा बस्ता दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, मुझसे भी ज़्यादा भारी। गुड इवनिंग दोस्तों, आप देख सकते हैं रात्रि को 10 बजने को आया है फ्रेंड्स, और मैं खाना खाने जा रही थी। और दोस्तों मेरी प्यारी दीदी ने जो है बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनाई है, आलू की और रोटी बनाई है। दोस्तों माता श्री जी की तबीयत ख़राब थी तो मेरी दीदी ने आज खाना बनाया है, खाना बना लेती है ये बता नहीं कहीं की। और दोस्तों चलिए मैं थोड़ी देर पहले कोचिंग से आई हूँ, तो चलिए मैं भी खाना पीना खा लूँ। और फ्रेंड्स मेरी माता श्री जी सो रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, और मैंने सांसद जी से कट्टी बट्टी कर ली तो मैं उनसे नहीं बोलूँगी। वो लड़का पीछे बैठा है पर मैं उससे नहीं बोलने वाली हूँ। और दोस्तों किसी की घर में शादी वादी है तो आप देख ही सकते हैं माहौल। और दोस्तों चलिए मैं खाना खा लेती हूँ फटाफट, और फिर वही मेरा पुराना काम है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ना है, फिर मुंबा के सो ही जाना है, और काम ही क्या मेरे पास रात्रि के दोस्तों। और रात्रि के दोस्तों 10 बजने को आए हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज सुबह जब 8 बजा था ना तो घंटा घर का जो घंटा होता है वो बजा था, तो मैंने सुना काफ़ी दिनों बाद, और काफ़ी दिन से सुनाई नहीं दे रहा था, बट सुबह के बाद से मैंने एक बार उसको नहीं सुना। तो अब देखते हैं दोस्तों 11 बजता है, अगर बजेगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, और नहीं बजेगा तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सो ही जाना है। तो चलिए खाना खा लेते हैं फटाफट। दोस्तों मैंने खाना खा लिया है, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रही थी, थोड़ा सा काम क्या मतलब कि थोड़ा काम ही कर रही थी। और फ्रेंड्स मेरी दीदी यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, तो यहाँ पे अपना उन्होंने पूरा पढ़ाई का सिस्टम फैला के रखा हुआ है, उनको शांति चाहिए तो वो भाग करके यहाँ आ गई दोस्तों। और फ्रेंड्स मैं भी उनके पीछे पीछे चली आई शांति ढूंढते, तो मैं भी दोस्तों अपनी दीदी के साथ कंपनी लूँगी, और मैं भी यहीं पे पढ़ने वाली हूँ। मैंने खाना पीना खा लिया दोस्तों फटाफट, आज मेरी प्यारी दीदी ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से सब्जी रोटी बनाई थी। तो चलिए दोस्तों मेरा लैपी ऑन हो चुका है, तो चलिए इस पर 2 मिनट का काम है, कर करके फटाफट से बंद करके फिर मैं पढ़ना शुरू कर दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं रात्रि को 11:30 बज रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे पापा जो हैं वो लाए हैं केक टेस्टी सा, आप देख सकते हैं मेरी प्यारी दीदी दोस्तों उसका उद्घाटन कर रही हैं। अब फ्रेंड्स मैं बैठ करके पढ़ाई कर रही थी और मुझे ठंडक लग रही है तो मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि बाहर ठंडक है। और से देखिए आप इस लड़की को दोस्तों, गौर से देखें, खाओ खाओ प्लस। फ्रेंड्स ये केक है, ऐसे ये केक मैं और मेरी दीदी खाने वाली हैं क्योंकि सांसद जी केक नहीं खाते, मतलब खाते हैं पर उनको भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है कि ये केक शायद एग वाला हो, पकोए नहीं। ये पपड़ी पट्टी है केक की, थोड़ा पाकू। तो पलक का झुट्टी मुट्ठी वाला हैप्पी बर्थडे, हैप्पी। हमको पिंक रंग से एलर्जी है, कैसे केक पिंक रंग का होता ना तो ठंडा, पिंक ही तो है ना, रेड है, काटो इतनी पिंक कलर होता ना ठंडा का। फ्रेंड्स चलिए केक खा लेते हैं, आप देख सकते हैं इस लड़की को, गंदी लड़की को, ना तो पूछ रही तब से मैं खाया जा रही है, मुझे गुस्सा दिला रही है। तो दोस्तों मैं भी जा रही हूँ केक खाने। और दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं, मेरी माता श्री जी परी परी सो गई हैं, और दोस्तों मेरे सर में ठंडक लग रही है तो मैं जा रही हूँ खाने के साथ साथ पढ़ाई करके सोने, और कोई मुझे घूरे ही जा रहा, मतलब फ्रिज में होगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी माता श्री जी केक की खुशबू सुन करके उठ चुकी हैं, और इस लड़की को आप देख सकते हैं इसका कार्यक्रम तब से चालू ही है,
और दोस्तों उसने आधा केक खत्म कर दिया है और इधर उधर दोस्तों उस लड़की ने पूरा आधा केक खा लिया है और दोस्तों ये पापा का केक है, इसमें मेरा, मेरी दीदी का, माता श्री जी का है। कि कोई खाएगा नहीं, कोई खाएगा नहीं। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, बाय बाय बाय।